बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से आ रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रदेश सरकार से उठाई राम मंदिर बीआरटीएस समेत कई मांगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन मध्य प्रदेश में ड्राई डे घोषित किया जाना चाहिए। कांग्रेस आलाकमान के नेता ठुकराने को लेकर बोले, भगवान राम रोम रोम में बसे हैं, हमने निर्माण के लिए चंदा भी दिया था। कांग्रेस के पूर्व मंत्री हनी बघेल पहले से ही मोटरसाइकिल से निकले हैं। इस राम मंदिर की प्रतिष्ठा में शंकराचार्यों का अपमान हुआ है, इसलिए कांग्रेस वरिष्ठ नेतृत्व ने जाने से इनकार किया था। बीआरटीएस 2006 में सैंक्शन हुआ था, 360 करोड़ का प्रोजेक्ट केंद्र से आया था। नगर निगम ने पीपीपी मोड पर बसें कंपनी से खरीदी, आज केवल 20 बसें बची हैं। बीआरटीएस में अलग अलग स्तर पर घोटाले हुए हैं। बीआरटीएस हटाने से एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित होंगी। बीआरटीएस फेलियर की जांच होनी चाहिए। 2017 में बीजेपी सरकार के दौरान 1250 जेपी जिला अस्पताल में प्रसूति विभाग बनाया गया था, अब काटजू अस्पताल में विभाग शिफ्ट करने की बात आ रही है। काटजू में अलग सुविधाएं देने की मंत्री जी से मांग, मनोज शर्मा आईपीएस अधिकारी पर बनी फिल्म में 12th फेल टैक्स फ्री करने की मांग। देखिए, ये एक अलग इशू है। जो हाई कमांड मिला तो उनका ये कहना है कि ये इसमें बीजेपी और संघ इसको एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह कर रहे हैं। जो रामलला की जिन पर संघर्ष हुआ, जो मूर्तियां हैं उनको कहाँ स्थापना करेंगे, इसकी बात हो नहीं रही। ये न्योता दे के उसमें जो विधिवत शंकराचार्य जी को बुलाना चाहिए, शंकराचार्य जी आ नहीं रहे वहाँ पे, तो इन बातों को लेके उन्होंने वो किया है। लेकिन हमारे पूर्व मंत्री और अभी विधायक हनी बघेल मोटरसाइकिल से वहाँ गए, ये सब आस्था के विषय है। मैं भी जाऊँगा फरवरी के महीने में, तो ये भगवान राम के दर्शन, रोम रोम में बसे हुए भगवान राम सभी हिंदुस्तानी और पूरे दुनिया के लोगों के। जब ये निर्माण हो रहा था तो हमने चंदा दिया था और आप लोगों के सामने दिया था, चेक दिग्विजय सिंह जी ने दिया, जीतू पटवारी जी ने दिया, सब ने दिए, ये हमने चंदे दिए। लेकिन हम जाएंगे वहाँ पे दर्शन करने, कोई रोक थोड़ी पाएगा। राम मंदिर रामलला का 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। सब बातें हो रही, लंबी लंबी बात हो रही। हमारी मांग यह है कि 22 जनवरी को मध्य प्रदेश में ड्राई डे रखा जाए, पूरी शराबबंदी रखी जाए उस दिन। उनको भगवान, जिससे कि जो लोग भी उस समय राम जी के भजन चलेंगे, राम जी की जो पूजा पाठ होगी, तो उस हिसाब से वो रखना चाहिए। और दूसरा एक और मांग थी मेरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से कि मनोज शर्मा एक आईपीएस अधिकारी रहे मध्य प्रदेश के डर के, और एक उच्च अधिकारी आज भी है वो मुंबई में, उन पर एक फिल्म बनी है 12th फेल 12वीं फेल, और ये फिल्म ऐसी है जो संघर्ष की एक कहानी, एक गांव से निकले हुए एक व्यक्ति की, वो किस तरह से आईपीएस करता है। तो मैं समझता हूँ तो टैक्स फ्री करना चाहिए, हम बहुत सी चीज़ों को टैक्स फ्री करते रहते हैं। इससे जो युवा हैं, युवा युवती, उससे प्रेरणा लेंगे और एक संघर्ष करके अपने मकसद पे, अपने गोल पे पहुँचे, ये प्रेरणा का एक मामला रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि इसको टैक्स फ्री आदरणीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी करें, ये उनसे दरखास्त है, अपील है। सर, आपने कहा कि